post-traumatic stress disorder. ये क्या होता है? वो रद्द अमल है जो किसी भी इंसान की जिंदगी में कोई बड़ा हादसा, कोई सानिया या कोई वाकया रोनमा होने के बाद होता है, और इसका रद्द अमल हर इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ होता है। अगर ये सिम्टम्स इंसान की ज़िंदगी में 72 घंटे तक रहें और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाता है तो उसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर 72 घंटे गुजरने के बाद भी इंसान उसी सानहे के बारे में सोचता रहे और उसी के हवाले से महसूस करता रहे तो उसको पोस्ट मैट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। सानहा रोनमा होने के बाद दो लोगों की ड्यूटी ज़रूरी होती है, एक पुलिस और एक दूसरे सहाफ़ी। एक तहकीक के मुताबिक देखा गया है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसमें सहाफ़ी सबसे ज़्यादा पोस्ट मैट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं। अगर आप सहाफ़ी हैं और आप ये समझते हैं कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी और पेशावराना ज़िंदगी में कुछ मुश्किल हैं और आप पेशावराना ज़िंदगी में जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी सर अंजाम नहीं दे पा रहे, तो आपके लिए इंडिविजुअल लैंड मीडिया सेंटर एक बेहतरीन इंतखाब है। हमारा इदारा जिसमें प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, वो सहाफ़ियों के साइंस और सिम्टम्स को देख के काउंसलिंग के ज़रिए उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ गामजन है। जहाँ पे हम काउंसलिंग की मुफ्त सर्विसेज पेश करते हैं,